हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के कुछ अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशिक गुण है। यहाँ पर आपको दिया गया है टिंडल प्रभाव, स्कंदन, विद्युत कण संचलन, इसके अलावा दिया गया ये सभी। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के बिखरने के गुण को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव, यानी कि प्रकाशिक गुण आपका क्या होगा यहाँ पर, टिंडल प्रभाव। तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायन के, ध्यान दीजिए, आकार पर, संयोजकता पर, आवेश के चिन्ह पर। इसके अलावा संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर, तो याद रखेगा, बता सकते हैं हार्डी सोल्जे नियम के अनुसार जो है ये यहाँ पर संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पर्पल ऑफ कैशियस है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले एक रिएक्शन, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग प्रयोग करें AuCl3, इसे हम लोग बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड, याद रखिएगा, इसे बोला जाता है ऑरिक क्लोराइड। अगर इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी क्रिया जो है स्टेनस क्लोराइड के विलयन के साथ करा दें, यानी कि SnCl2 इसके साथ अगर इसकी क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर जो है बैंगनी रंग का गोल्ड सॉल्ट प्राप्त होता है, यानी कि इसमें बनेगा आपका Au और इसके साथ साथ यहाँ पर बनता है SnCl4। इस प्रकार से अगर आप इसे संतुलित करेंगे तो 2 से यहाँ पर गुणा होगा, इसके अलावा 3 से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें 3 Sn हो गए, तो यहाँ पर भी इसमें 3 से गुणा होगा और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 2 Sn। इस प्रकार से ये समीकरण यहाँ पर संतुलित हो जाएगी। ये आपको जो दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड, नाम याद रखिएगा इसका, इससे बोला जाता है ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड ये हो जाएगा। इसके अलावा ये आपको दिया गया है स्टेनस क्लोराइड, अगर इसका नाम लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड। और इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है बैंगनी रंग का आपका गोल्ड सॉल प्राप्त हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये होता है आपका गोल्ड सॉल। इस प्रकार से आप यहाँ पर यह अभिक्रिया बता सकते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका Au सॉल दिया गया, यानी कि जो गोल्ड सॉल दिया गया है, इसे ही हम लोग बोलते हैं पर्पल ऑफ कैशियस, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर बी ये जो है सही हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर बैंगनी रंग का जो गोल्ड सॉल प्राप्त हुआ है, इसे ही बोला जाता है पर्पल ऑफ कैशियस, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है यहाँ पर कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ शॉल कहलाता है। तो याद रखिएगा कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ शॉल जो होता है वो एरोशॉल कहलाता है, बना हुआ शॉल जो है आपका ये एरोशॉल कहलाता है, यानी कि यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे कि कोहरा, इसके अलावा बता सकते हैं धुंध, और यहाँ पर हो जाएगा धूल, बादल, द्रव स्प्रे, ये सभी जो होते हैं आपके एरोशॉल होते हैं। तो याद रखिएगा कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल जो होता है ये क्या कहलाता है आपका, एरोशॉल कहलाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। यहाँ पर आपको ये दिए गए, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन जो है प्राकृतिक कोलाइड नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि साबुन, जिसका कि आपको ये सूत्र दिया गया, ध्यान दीजिए, RCOONA, ये आपको दिया गया है साबुन, ये जो है प्राकृतिक सॉल नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है प्राकृतिक कोलाइड नहीं होता, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो औषधियाँ होती हैं ये कोलाइडी अवस्था में जो है सर्वाधिक प्रभावी होती हैं, कोलाइडी अवस्था, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए ये जो है सही हो जाएगा। जितनी भी औषधियाँ होती हैं ये कोलाइडी अवस्था में जो है सर्वाधिक प्रभावी होती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि, तो कोलाइड को शुद्ध करने की विधि जो है अपोहन कहलाती है, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि जो है अपोहन कहलाती है। इसके बाद अगला है कि ब्राउनियन गति का कारण है, तो यहाँ पर आपको ब्राउनियन गति का जो है कारण बताना है। यहाँ पर लिखा है द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, कणों का आकार, इसके अलावा परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। ये यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। ब्राउनियन गति का कारण क्या है? परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का जो है कोलाइडी कणों का जो संघात होता है, ये यहाँ पर जो है ब्राउनी गति का कारण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में FeCl3 का तन विलयन मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, इस परिघटना को कहते हैं, तो इस परिघटना को बोला जाता है पेप्टीकरण। ये आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है पेप्टीकरण, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है, तो कोहरा जो है आपका एक कोलाइडी निकाय है, जिसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है, इसमें आपका परिक्षेपण माध्यम जो है गैस होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, परिक्षेपण माध्यम जो है गैस, इसके अलावा परिक्षिप्त प्रावस्था, इसके अलावा जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है ये होती है आपकी द्रव। ये आप लोग याद रखिएगा, परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव। तो यहाँ पर लिखा है कि कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण, तो याद रखिएगा गैस में द्रव परिक्षिप्त, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। ये आपको बताया गया कि परिक्षेपण माध्यम गैस और इसके अलावा परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है आपकी द्रव, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मक्खन एक कोलाइडी रूप होता है जब, यहाँ पर लिखा है वसा परिक्षिप्त होती है जल में, जल परिक्षिप्त होता है वसा में, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी ये सही होगा, यानी कि जब जल परिक्षिप्त होता है वसा में तो मक्खन जो होता है ये एक कोलाइडी रूप होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है कि निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है, द्रव विरोधी कोलाइड आपका होता है स्टेनिक ऑक्साइड, स्टेनिक ऑक्साइड जो होता है ये द्रव विरोधी कोलाइड है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है कोलाइडी कणों का साइज, यानी कि आकार जो होता है लगभग किस रेंज में होता है, तो इसका जो आकार होता है ये आप लोग याद रखिएगा 50 एंगस्ट्राम से जो है 2000 एंगस्ट्राम की रेंज का होता है। कोलाइडी कणों का जो साइज होता है, यानी कि जो आकार होता है, वो 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम का होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है, तो सबसे प्रभावी विलयन जो होता है आपका BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है ए बी सी तथा डी सॉल्व की गोल्ड संख्या, यहाँ पर ये आपको ए की गोल्ड संख्या दी गई है, बी की, ये सी की और डी की, सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइड है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है रक्षण क्षमता प्रोपोर्शनल टू होता है 1/ स्वर्ण संख्या, 1/ स्वर्ण संख्या, यानी कि जिसकी स्वर्ण संख्या सबसे अधिक होगी उसकी रक्षण क्षमता जो होगी वो कम होगी, यानी कि जिस विलयन की स्वर्ण संख्या कम होगी उसकी रक्षण क्षमता जो होगी वो सबसे अधिक होगी। तो सबसे कम यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्वर्ण संख्या किसकी दी गई है, ए की, इसकी स्वर्ण संख्या आपको दी गई है 0.001, तो सबसे कम यहाँ पर स्वर्ण संख्या जो है ए की है, इसका मतलब इसकी रक्षण क्षमता जो है सबसे अधिक होगी, क्योंकि रक्षण क्षमता जो है वो स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मतलब जो स्वर्ण संख्या का मान अधिक होगा तो रक्षण क्षमता कम होगी, और जब स्वर्ण संख्या का मान कम होगा तो रक्षण क्षमता अधिक होगी, तो यहाँ पर ए की स्वर्ण संख्या जो सबसे कम है इसलिए इसकी रक्षण क्षमता जो सबसे अधिक होगी, यानी कि यहाँ पर जो है ए ये जो है सबसे प्रभावी रक्षी कोलाइड होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, इसके लिए जो प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है वो होता है आपका V2O5, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो याद रखिएगा कि जब गैस आपकी परिक्षिप्त अवस्था में, याद रखिएगा जब गैस जो है परिक्षिप्त अवस्था में, इसके अलावा द्रव जो होता है
ये प्रक्षेपण माध्यम होता है तो वहां पर झाग उत्पन्न होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जब प्रक्षेपण माध्यम द्रव और इसके अलावा प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है तब वहां पर आपका झाग या फिर फेन उत्पन्न होता है। यानी कि आप बता सकते हैं द्रव में गैस, द्रव आपका प्रक्षेपण माध्यम और गैस जो है प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है तब वहां पर झाग उत्पन्न होता है। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन में AgNO3 मिलाया जाता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि एक अकार्बनिक लवण है उसके जलीय विलयन में जो यहाँ पर AgNO3 मिलाया जाता है तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो NH4OH में विलेय है। तो लवण में उपस्थित ऋणायन है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक अकार्बनिक लवण यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लेते हैं HCl, इसमें मिलाया गया है आपका AgNO3, ये मिलाया जाता है। और जब AgNO3 मिलाया जाता है तो यहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का जो है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। इसके बाद जो यहाँ पर ये AgCl प्राप्त हुआ है ये जो है इस NH4OH में विलेय है। यानी कि यहाँ पर आप यूज करेंगे NH4OH क्योंकि इसमें ये जो है यहाँ पर विलेय है। इसके यहाँ पर जो है दो अणु प्रयोग किए जाएंगे। तो जब इससे आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका AgNH3, इस प्रकार से यहाँ पर होगा का होल ट्वाइस, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा Cl और साथ में यहाँ पर बनता है इसमें जल यानी कि H2O। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर दिया गया Cl यानी कि ये जो है क्लोराइड मूलक होता है। यानी कि आप बता सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ पर Cl- उपस्थित है क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर ये Cl दिया गया। तो इसका मतलब इस लवण में जो यहाँ पर क्लोराइड मूलक यानी कि Cl-। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर बी ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर नेस्लर अभिकर्मक है। यहाँ पर बात हुई है नेस्लर अभिकर्मक की। तो याद रखिएगा कि पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड यानी कि K2HgI4 ये होता है आपका पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। इसका जो क्षारीय विलयन होता है, इसका जो है क्षारीय विलयन, इसका क्षारीय विलयन जो होता है वो होता है K2HgI4+KOH। इसका जो है यहाँ पर ये क्षारीय विलयन होता है। इसे ही बोला जाता है नेस्लर अभिकर्मक, इसे बोलते हैं नेस्लर अभिकर्मक। ये आप लोग याद रखिएगा कि K2HgI4 जो ये आपको दिया गया है यहाँ पर, इसका जो है क्षारीय विलयन ये दिया गया है, ये जो होता है आपका नेस्लर अभिकर्मक होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जो विकल्प नंबर सी दिया गया है यानी कि K2HgI4 ये आपको दिया गया है पर K2, इसके अलावा HgI4 और +KOH ये जो है यहाँ पर आपका नेस्लर अभिकर्मक हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है। यहाँ पर बात हुई है SO2 की। तो यहाँ पर अगर हम लोग SO2 की संरचना बनाएं तो ध्यान दीजिए इस प्रकार से यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, इसके अलावा डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से कितना हो जाएगा यहाँ पर इसके दो इलेक्ट्रॉन युग्म। और यहाँ पर जो इसमें इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो लगभग 119.5 डिग्री होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो है यहाँ पर SP2 संकरण होता है, इसमें जो है यहाँ पर SP2 संकरण होता है, ये आप याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी ये जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बात हुई है प्रबलतम ऑक्सी अम्ल की। तो जो आपका ऑक्सी अम्ल होता है, ऑक्सी अम्ल की अम्लीयता, ये जो है याद रखिएगा कि ये जो है ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती है, ये जो है ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सी अम्ल की अम्लीयता में भी वृद्धि हो जाती है।
ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है HClO2, ये दिया गया है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है +3, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा दिया गया है HClO4 दिया गया है, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी +7। इसके अलावा HClO दिया गया है, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +1। इसके अलावा HClO3 दिया गया है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +5। तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर HClO4 की है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है प्रबलतम ऑक्सी अम्ल होगा, क्योंकि आपको बताया गया कि ऑक्सी अम्ल की अम्लीयता जो है वो ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ पर प्रबलतम ऑक्सी अम्ल भी होगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है, इसलिए ये जो है यहाँ पर प्रबलतम ऑक्सी अम्ल होगा। इसके बाद अगला है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये सभी को याद होना चाहिए कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो है आर्गन, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है सही होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नंद जी अगला है, हीलियम का मुख्य स्रोत है यहाँ पर दिया गया वायु मोनोजाइट रेत, ये यहाँ पर सही है, ये जो है आपका एक रेडियो एक्टिव खनिज है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है एक रेडियो एक्टिव खनिज होता है। तो कभी कभी इसकी जगह पर जो है डायरेक्ट रेडियो एक्टिव खनिज लिख कर आएगा, तो यहाँ पर फिर रेडियो एक्टिव खनिज सही हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत जो है बता सकते हैं रेडियो एक्टिव खनिज, या फिर आप बता सकते हैं मोनोजाइट रेत, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर गैस निकलती है, यहाँ पर बात हुई है अमोनियम डाइक्रोमेट की, तो इसका सूत्र होता है NH4 CO2O7। इसे जो है यहाँ पर गर्म करना है, जब आप इसे गर्म करेंगे तो इसमें बनेगा Cr2O3, इसके अलावा इसमें बनेगा यहाँ पर जल, और साथ में इसमें N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर इसमें कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन यानी कि N2। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें इसका विकल्प नंबर डी यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पर अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर निकलती है, तो ये विकल्प सही होगा। इसके बाद अगला है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त होता है, तो अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए जो है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, जिसे बुझा चूना बोला जाता है, इसे जो है बुझा चूना बोलते हैं, इसके द्वारा जो है अमोनिया गैस को शुष्क किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर डी यानी कि CaO ये जो दिया गया ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है निम्न में से विस्फोटक यौगिक है, तो यहाँ पर बात हुई है विस्फोटक यौगिक की, विस्फोटक यौगिक आपका होगा इसमें NCl3, इससे बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इसे बोला जाता है नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, ये जो है एक विस्फोटक यौगिक होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी NCl3 ये सही होगा। इसके बाद अगला है, कोहरे को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस, तो इसमें जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो होती है नियॉन यानी कि NE, ये गैस जो है प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि निम्न दाब पर जो नियॉन गैस है इसका विद्युत विसर्जन करने पर जो है लाल रंग की दीप्त उत्पन्न होती है, जिससे कोहरे को भेदने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है सही होगा। इसके बाद अगला है कि अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है, या फिर यही क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस है, तो सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस जो है वो XE यानी कि ज़ीनॉन है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील जो है निष्क्रिय गैस है, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से तत्वों का युग्म जो है समान वर्ग में रखा गया है, यहाँ पर लिखा है तत्व जिनकी परमाणु संख्या 17 और 38 है, इसके अलावा 20 और 40 है, 11 और 33 है, और इसके अलावा 17 और 35 है। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर डी दिया गया है 17 और इसके अलावा 35,
अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा यहाँ पर 3s2, इसके अलावा इसमें आता है 3p5। इसी प्रकार से अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा 3d10, इसके अलावा 4s2 और 4p5 इतना आएगा। ये जो है यहाँ पर बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये जो बना आपका ये बना है NH2, इसके अलावा NP5, इस प्रकार का। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको जो है समान वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो समान है। यहाँ पर 3H2P5, यहाँ पर भी 4H2P5 है। तो इसका मतलब इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, इसलिए इस युग्म को जो है समान वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो परमाणु संख्या 17 दी गई है ये क्लोरीन की होती है। इसके अलावा 35 दी गई है ये होती है ब्रोमीन की। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद धंधे जी, वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की होती है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी दिया गया है, ये सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन अलग प्रकार से भी आ सकता है, यानी कि इसमें इस प्रकार से आ सकता है कि प्रबलतम विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है तो भी यहाँ पर आपका फ्लोरीन यानी कि F2 ये सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद धंधे जी क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो क्लोरीन की होती है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी ये जो है सही हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन लिया गया कि निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व तो गुण दर्शाता है। यहाँ पर आपको दिया गया है MnO2, इसके अलावा TiO2, VO2 और CrO2। तो यहाँ पर बात हुई है इसमें लौह चुंबकत्व तो गुण की। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो है उसकी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकत्व। और लौह चुंबकीय पदार्थों के उपस्थित में जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर डी दिया गया है, यानी कि CrO2, ये जो है एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो ये जो है यहाँ पर लौह चुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है यहाँ पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ, और ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर ये जो है लौह चुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करेगा। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद धंधे जी, अगला है, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त होते हैं। NS इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा N+1d इलेक्ट्रॉन, N-1d इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा दिया गया है NS+N-1d इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर डी दिया गया है, यानी कि NS+N-1d इलेक्ट्रॉन, ये जो है यहाँ पर संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए जो है मुक्त होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है, संक्रमण तत्वों में 4d श्रेणी का तत्व है। यहाँ पर बात हुई है 4d श्रेणी की। तो अगर यहाँ पर हम लोग 4d श्रेणी की बात करें, इसमें जो है परमाणु क्रमांक 39 से जो है 48 तक के तत्वों को रखा गया है, ये आप लोग याद रखेगा। 4d श्रेणी में जो है परमाणु क्रमांक 39 से लेकर जो है परमाणु क्रमांक 48 तक के तत्वों को रखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको परमाणु क्रमांक दिया गया है 37, यहाँ पर दिया गया है 47, यहाँ पर है 57 और यहाँ पर दिया गया है 30। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 39 से 48, इसके बीच में आपका आएगा 47, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प नंबर बी दिया गया ये सही होगा। यानी कि बात हुई है 4d श्रेणी की, तो 4d श्रेणी में परमाणु क्रमांक 39 से परमाणु क्रमांक 48 तक के तत्वों को रखा गया है, और यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक दिया गया 47। इसका मतलब ये जो है 4d श्रेणी का तत्व है। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है। यहाँ पर बात हुई है अनुचुंबकीय आयन की। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है Zn, इसके अलावा 2+,
अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, इसके अलावा 2s2, 2p6, इसके अलावा हो जाएगा 3s2, 3p6 और 3d10 ये होगा। यानी कि इसके बाह्य कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 3d10 होगा इस प्रकार से। तो अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर d, इसमें आपके 5 कक्षक होंगे, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएंगे इसमें 5 कक्षक। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ध्यान दीजिए 3d10, यानी कि यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा आपका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा और ये हो जाएगा यहाँ पर 5वां। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए अगला ये हो जाएगा आपका 6वां, फिर हो जाएगा 7वां, 8वां, 9वां और ये हो जाएगा आपका 10वां। यानी कि इसमें जो है कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है आपका, इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है इसमें Ni2+, Ni यहाँ पर दिया गया 2+। इसी प्रकार से यहाँ पर जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाह्य कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा 3d8। यहाँ पर जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखा गया, तो ये आएगा आपका 3d8। और अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डी कक्षक है, इसमें 5 कक्षक आप इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 और इसके अलावा यहाँ पर ये यह हो जाएगा 5 इस प्रकार से। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इसके अलावा 6 7 8। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 2। यहाँ पर जो है आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 थे, इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं। तो यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे आपके 0। इसके अलावा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है Cu+। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाह्य कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा 3d10। तो उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर d दिया गया है, इसमें कक्षक होंगे आपके 5, 1 2 3 4 और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएंगे 5 कक्षक। इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे इसमें तो 1 2 3 4 5, इसके अलावा 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके 0 हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा लास्ट में आपको दिया गया है यहाँ पर Ag+। इस प्रकार से अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 4d10 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आएगा आपका 4d10। तो यहाँ पर भी अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे तो इसमें भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन हैं और डी कक्षक दिया गया है। तो यहाँ पर 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप इसमें तो 1 2 3 4 5, इसके अलावा 6 7 8 9 और 10, यानी कि इसमें भी आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। यहाँ पर भी जो है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आपका ये दिया गया था Ni2+, इसमें जो है आपके 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, बाकी सभी में जो है यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है
इनमें से जो अनुचुंबकीय आयन होगा यहाँ पर जो इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है यहाँ पर जो है इसमें Ni2+ जो है ये अनुचुंबकीय आयन होगा, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही होगा क्योंकि इसमें जो है आपके दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, बाकी इन सभी में जो है कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर बी यानी कि Ni2+ ये सही होगा क्योंकि इसमें जो है दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब इसके बाद धनंजय जी यहाँ पर ये आपको एक उपसहसंयोजक यौगिक दिया गया है और इसमें आपको CO की जो है समन्वय संख्या बतानी है। तो यहाँ पर धनंजय जी आपको दिया गया है EN, यहाँ पर ये एक द्विदंतुक लिगैंड होता है, ये जो होता है ये द्विदंतुक लिगैंड होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पर जो है आपको द्विदंतुक लिगैंड दिया गया है ये हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें आपको दिया गया है CL, ये जो होता है ये आपका एक दंतुक लिगैंड होता है, एक दंतुक लिगैंड। इसी के अनुसार जो है आपको यहाँ पर CO की समन्वय संख्या ज्ञात करनी है, इसकी आपको यहाँ पर जो है समन्वय संख्या बतानी है। तो इसके लिए धंधे से यहाँ पर EN दिया गया, ये एक द्विदंतुक लिगैंड है तो यहाँ पर होगा दो, कितने EN है यहाँ पर दो, इसलिए गुणे हो जाएगा दो। फिर प्लस CL जो है आपका एक दंतुक लिगैंड है तो यहाँ पर होगा वन, कितने CL थे आपके दो तो यहाँ पर हो जाएगा दो, यानी कि दो दूनी चार और दो एक कम दो बराबर कितना आ जाएगा छः, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी छः जो दिया गया ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, यहाँ पर उसी प्रकार से आपको एक उपसहसंयोजक यौगिक दिया गया है और इसमें भी आपको CO की जो है ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया है CO इस प्रकार से, इसके अलावा NH3 का होल 5, फिर यहाँ पर दिया गया है CL इतना है, और इसके अलावा आपको दिया गया है Cl2, तो इसकी जो है आपको यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है CO की। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आप मान लीजिए X इस प्रकार से लिखेंगे, इसके अलावा प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है NH3, यहाँ पर क्या दिया गया है NH3, इस पर जो है चार्ज नहीं होता है यानी कि ये उदासीन होता है इसलिए इस पर चार्ज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा शून्य, यहाँ पर होल 5 दिया गया है इसलिए गुणे में हो जाएगा 5, इस पर जो है कोई आवेश नहीं होता है इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा शून्य। इसके अलावा आपको दिया गया है Cl, Cl पर -1 चार्ज होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इस प्रकार से, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर इतना होगा, फिर प्लस अब ध्यान दीजिए Cl2 दिया गया है, Cl पर बताया गया कितना चार्ज होता है -1 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर -1 होगा और दो थे इसलिए गुणे में हो जाएगा दो और बराबर यहाँ पर आप मान लेंगे इसमें 0 इस प्रकार से इतना होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, इसके अलावा -1 इसका आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2 बराबर 0, यानी कि एक्स ये जुड़ेंगे तो -3 बराबर 0, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा प्लस का 3 इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो +3 होगी, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी ये जो दिया गया आपको ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, यहाँ पर दिया गया CO NH3 का होल 6, इसके अलावा Cl2, ये आपको एक उपसहसंयोजक यौगिक दिया गया है, इसमें जो है आपको उपसहसंयोजन संख्या बतानी है। तो इसमें ध्यान दीजिए NH3 यहाँ पर ये जो दिया गया आपको NH3 ये क्या होता है आपका ये एमीन होता है, और ये कितने दिए गए यहाँ पर होल 6 दिए गए, इसका मतलब इसमें जो है यहाँ पर 6 एमीन लिगेंड जुड़े हैं। तो यहाँ पर जो है 6 एमीन लिगेंड जुड़े हैं इसलिए यहाँ पर इसकी जो उपसहसंयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी वो 6 होगी, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही होगा आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें जो है 6 एमीन लिगेंड जुड़े हैं इसलिए उपसहसंयोजन संख्या संयोजन
संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप लोग याद रखेगा कि इसमें जो है 6 अमीन लिगेंड जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर जो उप सहसंयोजन संख्या होगी वो क्या होगी, वो 6 हो जाएगी। अब इसके बाद धनदेव जी अगला है हेट्रोलिप्टिक संकर है, तो यहाँ पर धनदेव जी जो इसका विकल्प नंबर आपका बी दिया गया है, इसमें धनदेव जी यहाँ पर ये दिया गया है सी ओ, इसके अलावा NH3+5, इसके अलावा है SO4, इस प्रकार से आपको दिया गया है, यहाँ पर है प्लस। तो यहाँ पर जो ये आपको दिया गया है ये होता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, ये होता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। इसके अलावा ये और ये दोनों क्या होते हैं आपके, लिगेंड होते हैं। यहाँ पर ये जो है आपके लिगेंड हैं और ये दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड हैं ये भिन्न प्रकार के हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पर ये आपका होता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसमें आपका जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है ये दो अलग अलग प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा है, इसलिए इससे बोला जाएगा हेट्रोलेप्टिक संकर, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। ये जो होगा आपका ये यहाँ पर हेट्रोलिप्टिक संकर होगा, क्योंकि इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये दो अलग अलग प्रकार के लिगेंडों से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, बाकी सभी में देख सकते हैं एक ही प्रकार का लिगेंड है। इसमें ये जो है आपका दो अलग अलग प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा है, इसलिए ये आपका होगा हेट्रोलिप्टिक संकर, ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद धनदेव जी अगला अगला यहाँ पर है प्रसीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है, तो यहाँ पर बात हुई है प्रसीतक की, तो प्रसीतक के रूप में यहाँ पर याद रखिएगा प्रयोग होने वाला यौगिक जो होता है आपका वो होता है CF2Cl2, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ये जो है आपका प्रसीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे जो है ऑक्सीकृत होकर बनाता है, तो याद रखिएगा ये जो है धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन बनाता है, ये जो है धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, ये बनाता है यहाँ पर फॉस्जीन, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया ये सही होगा। तो क्लोरोफॉर्म जो है प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पर फॉस्जीन, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, तो याद रखिएगा ये जो है ऑक्सीकरण पर फॉस्जीन देता है, CHCl3 जो है ये ऑक्सीकरण पर क्या देता है, फॉस्जीन देता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, तो हेलो फॉर्म जो होते हैं ये मेथेन के, यानी कि CH4 इसके जो है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया है मेथेन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है एल्कोहली KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ जो है कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है, तो इसमें बात हुई है यहाँ पर KOH की उपस्थिति में जो है किस मिश्रण के साथ जो है यहाँ पर कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर प्राथमिक एमीन यानी कि CH3NH2, जिससे आप लोग प्राथमिक एमीन या फिर बोल सकते हैं 1° एमीन इसका यूज किया जाएगा, और इसके साथ जो है CH3 जिससे बोला जाता है त्रि हैलोजनीकृत मेथेन, ये आप लोग याद रखिएगा इससे बोला जाता है त्रि हैलोजनीकृत मेथेन। इसके साथ जो हम लोग यहाँ पर KOH इसकी क्रिया जो है वो कराते हैं, यहाँ पर इसके जो है इसमें 3 अणु प्रयोग किए जाएंगे, तो जब इसके साथ यहाँ पर इसमें गर्म किया जाएगा तो इसमें बनता है मेथिल आइसोसाइनाइड यानी कि CH3BNC, ये बनता है, इसे बोला जाता है मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड ये आपका यहाँ पर
बन जाएगा आयशो साइनाइड इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो आपका हो जाएगा एल्कोहली के ओ एच। इसके साथ क्या यूज हुआ है, 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन और CH3 यानी कि 3-हेलोजनीकृत मेथेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विकल्प नंबर बी यानी कि 3-हेलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन का यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पर KOH की उपस्थित में जो है आपका 3-हेलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन, इसके साथ जो है आपका कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। इसके बाद अगला है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है एक कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में या फिर अवशोषक के रूप में। तो यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म होता है, याद रखिएगा इसका प्रयोग जो होता है वो औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है ये सही होगा। याद रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो होता है ये औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा लिगेंड जो है वो कीलेट बनाता है, कौन सा लिगेंड जो होता है वो कीलेट बनाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि C2O4-2-, ये आपका जो होता है ये ऑक्सलेट आयन होता है। ये जो है ऑक्सलेट आयन द्विदंती लिगेंड होता है जो कि धातु के साथ मिलकर कीलेट वलय बनाता है, इससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट। यहाँ पर ये होता है आपका ऑक्सलेट। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि ये ऑक्सलेट जो है यानी कि ये ऑक्सलेट आयन जो है द्विदंती लिगेंड होता है और ये जो है धातु के साथ मिलकर कीलेट वलय का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी ऑक्सलेट ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है वो उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा Na+ यानी कि सोडियम आयन जो होता है ये उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है। यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए ये जो है आपका सही हो जाएगा, ये जो है आपका उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है। इसके बाद अगला है कि कौन सा धनायन अमोनिया के साथ जो है एमीन संकुल नहीं बनाता है। तो अमोनिया के साथ जो है आपका Al3+ ये जो है, यहाँ पर याद रखेगा कि अमोनिया के साथ जो है एमीन संकुल नहीं बनाता है। यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी Al3+ ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया कि ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर बात हुई है ल्यूकास अभिकर्मक की, ये अभिकर्मक जो है 1 डिग्री, इसके अलावा 2 डिग्री और 3 डिग्री या फिर आप बोल सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। ये आपको यहाँ पर इसके बारे में पता रखना है कि ये जो है यहाँ पर अल्कोहल की पहचान में प्रयुक्त होता है। यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया ये सही होगा। 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक, 2 डिग्री का मतलब द्वितीयक और 3 डिग्री का मतलब तृतीयक, अल्कोहलों की पहचान में जो है ल्यूकास अभिकर्मक का यूज किया जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ल्यूकास अभिकर्मक है, यहाँ पर दिया गया है सांद्र HCl+ निर्जल ZnCl2, इसके अलावा PdBSO4, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए तनु HCl+ निर्जल ZnCl2 दिया गया। तो याद रखिएगा कि ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है ये सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर तनु HCl भी दिया गया है तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है, HCl जो होगा ये सांद्र होगा यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अलावा निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है, ये ल्यूकास अभिकर्मक होता है। अब इसके बाद दंदे जी अगला यहाँ पर है, ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विभेद में किया जाता है। तो अभी आपको बताया गया है कि ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग जो हम लोग 1 डिग्री, इसके अलावा 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के विभेद यानी कि इसके पहचान में जो है करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यानी कि यहाँ पर ये तीनों सही हैं। तो इसका विकल्प नंबर डी यानी कि ये सभी ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर दिया गया है, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाई एजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है। तो यहाँ पर बात हुई है एसिटिक अम्ल की, इसकी क्रिया जो है वो डाई एजोमेथेन से कराने
पर जो है यहाँ पर कौन सा यौगिक बनेगा, तो याद रखिएगा इसमें बनता है आपका मेथिल एसीटेट, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया है मेथिल एसीटेट, ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि निम्न में कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है। यहाँ पर दिया गया है फॉर्मिक अम्ल, इसके अलावा एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल डिहाइड, और यहाँ पर दिया गया है एसिटल डिहाइड। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो आपका एसिटिक अम्ल होता है ये जो है फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है। ये आपको इसके बारे में याद रखना है कि एसिटिक अम्ल जो होता है ये फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया इसमें रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो रोजेनमुंड अपचयन द्वारा जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया ये सही हो जाएगा। यानी कि रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मेलिन जलीय विलयन है, तो फॉर्मेलिन जो होता है ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर ए दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड ये सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर कि फॉर्मेलिन जो होता है ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। अब इसके बाद है वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की, ये दोनों जो है यहाँ पर फेहलिंग अभिकर्मक, इसके अलावा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, सिफ अभिकर्मक या फिर टॉलिन अभिकर्मक। तो याद रखिएगा कि ये दोनों जो है यहाँ पर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, इससे जो है यहाँ पर ये दोनों जो है आसानी से अभिक्रिया करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला दिया गया यहाँ पर I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मेथेनॉल जो होता है आपका, ये अगर I2 और क्षार के साथ गर्म किया जाएगा तो यहाँ पर जो है आयोडोफॉर्म नहीं बनता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो होगा इसका, यानी कि मेथेनॉल, ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला अगला यहाँ पर आपको दिया गया है कि फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर बात हुई है फिनॉल की, इसका अगर समीकरण लिखेंगे तो ध्यान दीजिए फिनॉल इस प्रकार से, यहाँ पर आप बनाएंगे बेंजीन रिंग, इसमें लग जाएगा OH, तो ये हो जाएगा आपका फिनॉल। इसका जो है यहाँ पर नाइट्रीकरण होगा, इसका जो है यहाँ पर नाइट्रीकरण होगा और ये क्रिया जो होगी यहाँ पर सांद्र, ध्यान दीजिए नाइट्रिक अम्ल की बात हुई है, यानी कि HNO3 से कराई जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, यहाँ पर इसमें लगा हुआ है आपका OH। अब इसमें यहाँ पर जो है एक NO2 समूह जुड़ जाएगा, एक NO2 आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक NO2 जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अगर आप इसमें नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक NO2 दो नंबर पर है, चार पर है, छः पर। तो अगर इसका आप नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इससे बोला जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इस प्रकार से। या फिर इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इससे बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर आप बोल सकते हैं पिक्रिक अम्ल, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो दिया गया है ये सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जो है इसमें क्या बनता है, इसमें बन जाता है यहाँ पर पिक्रिक अम्ल। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। तो यहाँ पर बात हुई है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज को जो है एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज का यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है जाइमेज, ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है, परिशोधित स्प्रिट में अल्कोहल होता है। तो परिशोधित स्प्रिट में अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो होती है 95.5%, ये होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है, निम्न में से कौन सा यौगिक जो है फेहलिंग विलयन को
अपचयित नहीं करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि केवल जो है CHO समूह युक्त यौगिक जो है वो फेलिंग विलयन को अपचयित कर सकते हैं। जिनमें CHO समूह होता है वही जो है फेलिंग विलयन को अपचयित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो CH3COOH दिया गया है ये जो है फेलिंग विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा, ये यहाँ पर जो है कोई क्रिया नहीं करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है यहाँ पर कोई क्रिया नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर ए ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि फेलिंग विलयन को वही अपचयित कर सकते हैं जिनमें CHO समूह होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपका CHO समूह है, यहाँ पर भी आपका CHO समूह है, और इसमें भी आपका CHO समूह होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये दिया गया था CH3COOH ये जो है यहाँ पर फेलिंग विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो यहाँ पर बात हुई है एमाइड से एमीन बनाने की। अगर इसका आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो एमाइड के लिए धंधे जैसे कि आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर C6H5CONH2, इसे बोला जाता है बेंजेमाइड, इसका आप नाम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेंजेमाइड। इस प्रकार से इसकी क्रिया अगर आप Br2 यानी कि ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH से कराते हैं, तो इससे जब क्रिया कराएंगे तो इसमें आपका बनेगा C6H5NH2, इसके अलावा बन जाएगा K2CO3, और आपका यहाँ पर बनता है पोटेशियम ब्रोमाइड और साथ में H2O। अगर इसे आप संतुलित करेंगे तो यहाँ पर इसके जो है 4 अणु प्रयोग किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आएगा 2KBr और यहाँ पर हो जाएगा 2H2O। तो ये जो अभिक्रिया है इसे बोला जाता है हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर ये आपका बनता है इसमें एमीन। तो वही यहाँ पर दंडी जी बताया गया था कि एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो यहाँ पर प्रयुक्त अभिकर्मक क्या हो जाएगा दंडी जी, Br2 और इसके अलावा KOH ये होगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि एमीनों का जलीय विलयन होता है। तो जो एमीन होते हैं उनका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। तो यहाँ पर बात हुई है कार्बिल एमीन अभिक्रिया की। अगर आप इसका समीकरण लिखते हैं तो यहाँ पर क्रिया कराई जाती है प्राथमिक एमीन की, यानी कि RnH2। इसकी क्रिया जो है क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और इसके अलावा एल्कोहलिक KOH के साथ कराया जाता है, यानी कि इन तीनों को यहाँ पर जो है गर्म किया जाता है। जब इससे गर्म किया जाता है तो इसमें बनता है आपका R, यहाँ पर होता है N और इसके अलावा यहाँ पर C, इस प्रकार से ये बनेगा, और इसमें बनता है आपका KCl और साथ में बनता है H2O। यानी कि अगर आप यहाँ पर इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पर इसके जो है 3 अणु प्रयोग किए जाते हैं, और इधर इसके जो है यहाँ पर 3 अणु बनेंगे और 3 अणु जल के भी यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बना है इससे बोला जाता है आइसोसाइनाइड, इससे बोला जाता है आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, और इसमें क्या बना है आपका आइसोसाइनाइड बनना है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो दिया गया है ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर है RnH2CHCl3, इसके अलावा एल्कोहली KOH की अभिक्रिया कहलाती है। यही अभिक्रिया भी आपको बताई गई थी जिसमें यहाँ पर KOH के जो है आपको 3 अणु प्रयोग करने थे, और इसमें बना था आपका RnC, इसके अलावा बना था आपका 3KCl और यहाँ पर बना था 3H2O। यही आपको भी बताया गया इसके पहले, जिसे हम लोग बोले थे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोला जाएगा।
तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस अभिक्रिया में आपका ये जो बनता है इससे बोला जाता है आइसोसाइनाइड, यही इसके पहले अभी आपको बताया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला अगला यहाँ पर है कि नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर अंतिम उत्पाद बनता है। तो याद रखिएगा कि नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर अंतिम उत्पाद जो है इसमें एनिलीन बनता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए एनिलीन, ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रोबेंजीन को जो है मेरवेन का तेल, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो दिया गया है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एमीन जो है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, इनमें से कौन सी एमीन है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो यहाँ पर ही जो दिया गया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड NH CH3, ये एमीन जो है ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है, अमीनों का जलीय विलयन होता है, अमीनों का जो जलीय विलयन होता है ये उभयधर्मी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि अमीनों का जलीय विलयन जो होता है ये उभयधर्मी होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला अगला यहाँ पर है, एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। एमाइड से एमीन बनाने के लिए जो है Br2 और KOH का यूज किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, इसकी अभिक्रिया जो आपको भी पहले बताई गई है क्वेश्चन में। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है बायूरेट परीक्षण नहीं देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया गया आपको कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड, यूरिया और प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये जो है बायूरेट परीक्षण नहीं देता है। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो शरीर में कार्य करने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उससे बोला जाता है ग्लाइकोजन, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला अगला यहाँ पर है कि सबसे मीठी शर्करा है, तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो होती है आपकी सुक्रोज, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला अगला यहाँ पर है, कैल्सीफेरॉल कहलाता है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी कहलाता है, यानी कि आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है एक विटामिन होता है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर डी ये सही हो जाएगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है, DNA में कौन सा क्षारक नहीं होता है, तो DNA में जो है आपका यूरेसिल नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, DNA में जो है आपका यूरेसिल ये जो है DNA में नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है, RNA में उपस्थित क्षारक है, तो RNA में जो है आपका एडेनिन होता है, ध्यान दीजिए RNA में जो है आपका एडेनिन होता है, इसके अलावा ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है और इसके अलावा यूरेसिल होता है, तो ये यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद है, एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का नाम होता है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया है ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर दिया गया है, इनुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो इसके जल अपघटन से बनता है फ्रक्टोज, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो दिया गया है ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, तो उससे बोला जाता है सेलुलोज, यानी कि यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है सेलुलोज जो है ये मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, तो ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।